हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि स्लाइडिंग डोर कैसे फिट होता है और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये व्हील्स है और एक व्हील्स यहाँ पे है और दूसरा ये जो आपको रॉड दिख रहा है, ये आपको जहाँ पे ये डोर स्टॉप होगा, इधर से स्लाइड होकर यहाँ पर आके स्टॉप होता है और इसमें ये जो लॉक करने का सिस्टम यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये डोर 11 फिट 3 इंच का है और ऐसे में 7 फिट का है और ये डोर स्लाइड होकर पूरा उस एंड तक जाता है, उस डोर तक, ठीक है। अभी चलते हैं गेट के पास और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिट होता है ये। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये जो रॉड है इस पे ये गेट आके रुकता है, ठीक है। ये गेट यहाँ पे आके रुकेगा, ये उसको रोकने के लिए है और इसमें लॉक होता है और इसको जाम करने के लिए इसमें एक रॉड इसमें वेल्ड है और दूसरा रॉड इसके अंदर जो इस कॉलम के अंदर रॉड है उसमें वेल्ड किया गया है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि बहुत सारे जो मिस्त्री होते हैं वो सिंपली उसको जाम कर देते हैं लोहे में और उसका लाइफ नहीं होता है। सो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें ताकि उसको उस कॉलम के रॉड से वेल्ड कर दें, उससे मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से रॉड को वेल्ड किया गया है, देखो यहाँ पे रॉड को वेल्ड किया गया है ताकि अच्छे से खड़े रहे और ये दरवाज़ा यहाँ से स्लाइड होके उधर की तरफ जाता है और ये ऐसे आता है। और ये देखो ये जो है जिसके सहारे ये स्लाइड होता है, इसके अंदर ये फंसा रहता है। पर हमारे मिस्त्री ने गलती ये किया है कि यहाँ पे उसने व्हील नहीं दिया। एक्चुअली यहाँ पे उसको व्हील देना चाहिए था। व्हील देने से ये होगा कि वो आसानी से स्लाइड कर पाएगा, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा और उसका लाइफ ज़्यादा रहेगा। इस तरह घसते घसते मान लीजिए गेट हम लोग 10 साल या 20 साल के नहीं लगाते हैं ना, जब तक घर रहता है तब तक दरवाज़ा रहता है, तो हम लोग उतना लंबा सोच के बनाते हैं, करेक्ट। तो इसलिए अगर व्हील रहे तो वो ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा नहीं रहेगा। इस तरह रहेगा तो वो घर्षण से वो पतला होता जाएगा, कुछ दिन बाद आपको उसको चेंज करवाना पड़ेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अपने मिस्त्री को बोले कि वो व्हील्स लगा के दे उसमें। और इसको बोलते हैं चैनल, जिस पर ये रोटेट करते, जिस पर ये स्लाइड करता है व्हील। तो इसका ध्यान ये रखना है कि जब भी इसको फिट करवाएं, इसको सिर्फ ईटा में फिट ना करवाएं, जैसे कि मैंने ढलाई में फ़िट करवाया, इसको ढलाई में फ़िट करवाएं और इसका लेबलिंग ज़रूर करवाएं। बिना लेबलिंग के अगर आप लगवाते हो, एक साइड ऊंचा और एक साइड नीचा हो जाता है, तो फिर आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा उसको ढकेल के बंद करने के लिए और खोलने के लिए। और ये चैनल एग्जैक्टली इस दरवाजे से दुगना से 1 फीट ज़्यादा होना चाहिए सेफर साइड के लिए। और ये दरवाज़ा देखो, ये गैप जो है मेरा 11 फीट का है और उसने उसी हिसाब से बनाया है, पर मैं जब भी खोलता हूँ थोड़ा सा बाकी रह जाता है, इसलिए आप गेट दरवाज़ा थोड़ा बड़ा बनवाएं, 1 फीट बड़ा बनवाएं हमेशा। तो गाइस इन सब बातों का ध्यान, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने कैसे इसको जाम किया, बाकी काम मुझे कराना पड़ रहा है। सब इसको रोबूस्ट कराने के लिए मुझे सील कराना पड़ रहा है सब। इसको ऐसे जाम किया गया है रॉड के थ्रू। हाँ आगे नहीं हो सकता, हाँ करवाते रहे ताकि और मजबूती बढ़ जाए। इस दीवार के ऊपर एक लिंटर रहेगा जिसमें ये बॉक्स फिट हो जाएगा। ये चैनल जिसके अंदर वो डोर स्लाइड करता है